हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी के स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामयिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? बताइए सब लोग, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य, विकासात्मक आवश्यकताएं, विकासात्मक बाधाएं या विकासात्मक क्षेत्र? पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई, डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता होगा, डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लास होती है, दोपहर में 2:30 बजे क्लास चलती है, उसके बाद शाम को 6:45 पे क्लासेस चलती हैं। आज मॉर्निंग वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो, एसटीडी प्लान वाली वीडियो जाके देख लेना। एंड दोपहर में जो पियाजे कोहलबर्ग वायगोस्की वाली जो वीडियो आई है उस वीडियो को जाके देख लेना। सॉलिड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसी वीडियो से, 80 क्वेश्चन करवाया हूं, जाके देख लेना, ठीक है? उसकी पीडीएफ भी मैं दे दिया हूं टेलीग्राम पे। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकासात्मक आवश्यकताएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकासात्मक आवश्यकताएं कहा जाता है। पहला का ऑप्शन, दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, विकास जो है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है या नीचे से ऊपर की ओर होता है या एक आयामी है या वातावरणीय कारकों से जो है प्रभावित नहीं होता है? बताइए विकास क्या है? दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, दूसरा का ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन और तर्क यहाँ पे दिया गया है। कथन एक कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तर्क आर क्या कह रहा है कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते। तो इसमें से कौन सा गलत है, कौन किसकी व्याख्या करता है, कौन किसकी सही व्याख्या नहीं करता, ये आपको बताना है। थ्योरी का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे मानव मध्य जो है बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है? तो यहाँ पे ए और आर दोनों आपके गलत हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य डैश रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती हैं। यह परिस्थिति जो है बच्चों के समाजीकरण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए सब लोग, बताइए सब लोग। धार्मिक संस्थान, परिवार, मीडिया, विद्यालय, 4 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। यहाँ पे 4 का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है ये, ठीक है? तो यहाँ पे मीडिया आपका आ जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी दोपहर वाली क्लास में करवाया था, ठीक है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे की अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं, सांवेदिक गामक, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? बताइए किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं ये? तो पा लेते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? नकन जो है उतारने जैसा व्यवहार कहलाती है या वस्तु स्थायित्व या आत्मशातिकरण या संतुलीकरण? ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2022 का और देख लीजिए जीन पियाजे से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आत्मशातिकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्मशातिकरण। ये सारे के सारे क्वेश्चन में दोपहर वाली क्लास में करवाया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये देखिए वायगोस्की के सिद्धांत के 3 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं वही सिद्धांत से, जीन पियाजे का। अब ये वायगोस्की का है कि विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। ले वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह किसका उदाहरण है? मैंने बताया था ना, अगर संकेत से सहायता की जाए तो वह पाड़ कहलाता है, ठीक है ना?
पाड़ का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे सेवेंथ का ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए ये तीन क्वेश्चन आपको मेरी दोपहर वाली क्लास से देखने को मिले कि नहीं मिले, इसीलिए कह रहा हूं कि एक भी क्लास मेरी नहीं छोड़ना है, हर एक क्लास देखना है, 100% आप क्वालिफाई करके आओगे। ओके चलिए यहां पे देखिए, ये भी देखिए लगातार, आज तो किस्मत ही बदल गई आप लोगों की, लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास का एक जो है सहयोगात्मक प्रक्रिया है? बताइए किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक जो है सहयोगात्मक प्रक्रिया है? लेव वाइगोत्स्की, इवान पावलोव, बी एफ स्किनर, जॉन बी वाटसन। तो ये लेव वाइगोत्स्की द्वारा कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन पहला, चार लगातार क्वेश्चन। फिर देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है क्या? बताइए आज सिद्धांत से कितने क्वेश्चन हैं भाई? 9 का जवाब दीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि उसके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौण है। ओके पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, आज बहुत क्वेश्चन है भाई। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में एक नहीं है? संगीतमय, भाषाई, शारीरिक, गति संवेदी, व्यवहारिक। बताइए, तो यहाँ पे एक जो है नहीं है, व्यवहारिक बुद्धि नहीं है इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प जो है एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? आप लोग देख लीजिए ना कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए, और जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ उससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे, और टैग वर्ड की क्लास में ले लूंगा, परेशान बिल्कुल भी मत हो। इनमें से कौन सा विकल्प एक जो है प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? विविध स्पष्टीकरण, रटकर याद करना और शब्दांश पुनरावृत्ति, पुरस्कार और दंड, बार बार वेधन और अभ्यास। तो विविध स्पष्टीकरण है आपका, ठीक है, संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। ओके ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? इसमें विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना है। स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है? नहीं, क्योंकि केवल लगा है, नेगेटिव हो जाएगा। शिक्षा को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। ये भी आपका बिल्कुल सही भी लग रहा है। बाकी चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेना है कि शिक्षक को कक्षा में उन बच्चों की उपेक्षा करनी चाहिए जो कक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे 12 का जो ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, तीसरा वाला ऐसे आपको पढ़ना है और उत्तर देना है, ठीक है। चलिए, वे बच्चे जो कि अक्सर जो है अपने अभिभावकों को मानकी जेंडर सीमाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसा कि माता को जो है उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चे की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में कम संभावना है कि जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे, या अधिक संभावना है कि वो जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे, या अधिक संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे, कम संभावना है कि वो समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के जो है विरुद्ध होंगे। 13 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कम संभावना है कि जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। ओके चलिए, यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? बताइए आकलन के क्या क्या उद्देश्य हैं? 14 का जवाब दीजिए सब लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? सभी उद्देश्यों को देखिए फिर आप लोग बताइए, एनएपी 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? बहुत अच्छे भाई, तो एनईपी 2020 के अनुसार आकलन के जो उद्देश्य हैं, अध्यापन अधिगम जो है क्रियाओं को दोहराना और अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना और कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, तो यही उद्देश्य हैं आकलन के। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा चौथा, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? फटाफट जवाब देंगे सब लोग, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? बच्चे का बौद्धिक स्तर, समकक्षियों का तुलना में छात्रा का संबंधित जो है पद,
एंड बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं कि बच्चा सामान्य विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं। तो बताइए गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? ये बच्चे की जो है विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? बताइए क्या करने से बचना चाहिए। 16 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? तो अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन यहां पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइए सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का प्रयोग या अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता की स्वीकृति या सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न अपेक्षाएं या सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए एक अध्यापक को। 17 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को भाई गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दो और 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताया करो, ठीक है। यहाँ पे 17 का ऑप्शन जो आपका सही होगा दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अध्यापक को अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता की स्वीकृति करना चाहिए, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता और वस्तुएं खो देता है, ये गुण निम्न में से किसके संकेतक हैं? अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार, दृश्यवादिता, वाचन वैफल, लेखन वैफल। 18 के जवाब दीजिए सब लोग। एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है, ये गुण निम्न में से किसके संकेतक हैं? ये अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, विकार के जो है संकेतक हैं। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बताइए बताइए सब लोग। चारों ऑप्शन को पढ़िए आप लोग, फिर जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए भाई। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक करते रहो सभी लोग, शेयर भी करते रहो ताकि और सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। यहाँ पे 19 का ऑप्शन पहला ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए, ठीक है। एक अध्यापिका को यही करना चाहिए। एक ऐसी जो है गतिविधि का चयन करें जिसमें अंतःदृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना है, वे किसे सम्मानित जो है करती है? रटकर याद करना, सृजनात्मकता, कुंठा, प्रतिस्पर्धा। 20 का जवाब दीजिए सब लोग। ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतःदृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नत करती हैं? सृजनात्मकता को समुन्नत करती हैं। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? बताइए, विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए या केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए या दंड देना चाहिए या उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए? बिल्कुल सरल प्रश्न है, अगर ये प्रश्न गलत हो गया तो फिर बेकार है। विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए, नहीं, केवल लगा है तो ये तो गलत ही हो गया। दंड आपको देना ही नहीं, ये भी गलत हो गया। उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता आपको देनी चाहिए विद्यार्थी को, ओके। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन और तर्क यहां पे है। कथन ए क्या कह रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। तर्क आर क्या कह रहा है कि अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा नहीं सही होगा, ये आपको बताना है। 22 को जवाब दीजिए। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जो है नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, नहीं, ये आपका गलत है। तो ए इसमें सही है और आर आपका गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विद्यालयों को जो है निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? बताइए बताइए सब लोग। विद्यालयों को निम्न में से
सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? विद्यार्थी विद्यालयों में जो है खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें, या सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए, या सफलता को संकल्पित जो है करते समय विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावनात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए, या एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहला आता है उसे निर्मित करते समय हम यह प्रणाली भी बना देते हैं कोई अंतिम स्तर पर आएगा। तो 23 का यहाँ पे ऑप्शन तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? रूपकों का जो है विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र का उपयोग, या जो है विभिन्न परिघटनाओं में सह संबंधों की रेखांकित, या विद्यार्थियों को जो है कार्य कारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना, या गैर उदाहरणों और अपवादों को जो है सम्मिलित का वर्णन, बताइए। यहाँ पे 24 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापक को बल देना चाहिए? उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, रट्टामार सीखना, दूसरों से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापक को बल देना चाहिए, ये वाली संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम पर। ठीक है, 25 का यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? इसमें सजा से बचना, रुचि पुरस्कार, असफलता का डर। जवाब दीजिए, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ये वाला, रुचि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? उत्सुकता, कृतज्ञता, या जिज्ञासा, या निराशा। निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? निराशा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जब रंगहीन नहीं है तो अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे के इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इस जवाब को सिरे से नकार देना चाहिए, या इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका जो तो तर्क है निराधार है, इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए, या केवल एक ही सही जवाब जो है जल रंगहीन है पर जोर देना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए सब लोग। 28 का जवाब दीजिए। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अधिगम का जो है सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? पुरस्कार और दंड, मानकीकृत आकलन, सांस्कृतिक संदर्भ, या जो है प्रतिपादक अध्यापन, बताइए। तो ये जो है देता है सांस्कृतिक संदर्भ पर, ठीक है, बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और जो है अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भी रूप में हो, या अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, या अधिगमकर्ता वाहक कारकों से अभिप्रेरित हो, या जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। तो अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भी रूप में हो। ठीक है, 30 का ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी की वीडियो। कैसी रही वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।